नीरज, थैंक यू एवरीबॉडी ऑन द पैनल। थैंक यू बोलने से थकूंगा नहीं, बिकॉज आज का टॉपिक है ग्रेटिट्यूड। और थैंक यू इसीलिए मैंने रखा क्योंकि मालूम नहीं पिछले 2 दिन से, जैसे इसने बोला, लोग जिसका इंतजार कर रहे थे और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो एक्सपेक्टेशन कई बार ब्रेक लग के आगे गया, ब्रेक लग के आगे गया, और अभी जब पक गया और फाइनल समझ गया कि बॉस ये कार्यक्रम होने को जा रहा है, तो वो जोश, जुनून, पागलपन अलग लेवल में है, अलग लेवल पे है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश कोटियन। ऑन पैसों की गतिविधि और विकास समाचार आज मुझसे सुनोगे, लेकिन आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्रिया अदा करने से मुझे मालूम है कि बॉस क्या होता है, और मैं शुक्रिया अदा उस ऊपर वाले का करता हूँ, जो भी आप मानते हो, जैसे राम हो, अल्लाह हो, भगवान हो, जो भी आप, वाहेगुरु, आप जिसको भी मानते हो, रोज सुबह उठने पे पहला शुक्रिया कि हम जिंदा है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम शुक्रिया करेंगे तो दिन अच्छा जाता है, और ये मेरे साथ हुआ है, और आई नो दैट थैंकिंग फॉर थिंग्स विच यू हैव रादर देन कर्सिंग फॉर थिंग्स विच यू डोंट हैव आपके लाइफ में बहुत चेंजेस लाता है, और बहुत बड़ा चेंज लाता है। विश्वास ऊपर रखने को, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा जोश, हमारा पागलपन आने के लिए पहले तो हमको जो भी ऊपर है उनको, मतलब द ओमनी पावर, ऊपर जो भी है उसका शुक्रिया अदा करने से आपका एनर्जी वो लेवल पे जाता है। मुझे याद है, अगर 3.5-4 साल हो गए और हम लोग कंटिन्यूस लगे पड़े हैं, बहुत सारे लोग ने बहुत नेगेटिव बात किया, लेकिन रोज उठ के थैंक यू बोल के हमारा फोकस नहीं हटाते हुए, जितने भी लोग साथ में रहे, कोई रुक गए, कोई थक गए, कोई रुक के फिर चले, सारे लोग जितने भी फाउंडर्स हैं, जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव थे, जो अभी पॉजिटिव हो रहे, या थोड़े बहुत और नेगेटिव रहे हैं, या फिर किसी और, मतलब थर्ड लेयर, जिसको कुछ मालूम नहीं, उसको ऑन पेशू का नाम जाता है तो वो बोलता है कि क्या यार, कितने सालों से ये सुन रहा है, उसको नहीं मालूम क्या धमाका होने वाला है। एंड इफ ही इज लकी, एंड इफ ही इज फाउंडर, भले उसने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, लेकिन उसको एक चांस है, अभी जैसा प्रोडक्ट आएगा तभी भी बाय कर सकता है। लेकिन अगर वो फाउंडर नहीं है तो वेरी सॉरी, पहला ट्रेन मिस हो चुका है, और ट्रेन का अभी जो टाइमिंग, प्लेटफॉर्म, वो सब भी मिल गया, वो छूटने वाला है, आप समझ सकते हो। थैंक यू मेरा जाता है ऊपर वाले को, थैंक यू मेरा जाता है एच मुफर सर को। डेफिनेटली वो एक ऐसा वीर है, जो अभी तक, हमने कोई और होता तो छोड़ भी देता, इतना सारा प्रॉब्लम अपने फैमिली पे, प्रॉब्लम वाइफ पे, ये सारा प्रॉब्लम आने के बाद भी हटे डटे एकदम वही रहे, उनको थैंक यू। और जस्सी सर के वजह से मैं ये बिजनेस में आया, तो जस्सी सर को भी बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू उसको भी, जो डिलन सर हमारा ये प्लेटफॉर्म में रहे और कंटिन्यूअसली हमारे साथ बने रहे, भले ऊपर नीचे जो भी हुआ, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब में अच्छा ही आए तो कमियां भी होती है, मेरे में भी है, सब में है, और वो हम लोग एक दूसरे को जान के संभाल के यहां तक पहुंचे विदाउट प्लेटफॉर्म छोड़े, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये सोर्स बिहाइंड द फोर्स, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और हमारे साथ जैसे केडी सर हमारे साथ लगातार थे, मुकुंद सर थे, कौशिक द मैन बिहाइंड, थैंक यू। मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है हम अवार्ड जीत चुके हैं, हमारे हाथ में ट्रॉफिया है, इतने सारे फाउंडर्स, थैंक यू माजी, थैंक यू, ओ यहाँ पर नीरज, ऑफ कोर्स जितने सारे लोग हैं सभी को थैंक यू, जितने पैनल में हटे रहे, एकदम डटे रहे, उनको भी थैंक यू, और वो सब पॉजिटिव यूट्यूबर्स जिन्होंने कंटिन्यूअसली अपना YouTube में अपना पॉजिटिव मैसेज जारी रखा, राइट इंफॉर्मेशन दे के सबको एंगेज रखा, उनके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। और सारे फाउंडर्स जिनके दिल में था कि नहीं भाई, एक दिन हमारा तकदीर बदलेगा, क्योंकि हमको विश्वास है वो आदमी पे, जो आदमी बात कर रहा था, जो करेगा वो डेफिनेटली करेगा। डेफिनेटली हम लोग थोड़े से लेट हो गए, लेकिन इतना बड़ा हो गया चीज, जहां पर हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा चीज, बहुत सारा फंक्शन, बहुत सारा टाइप, ये सारा कुछ आप देख के, आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं। और जो अमाउंट एड सर ने बताया कि पहले लॉट में जाने वाला है, पहले लॉट में रिलीज होने वाला है, वो आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है, ये होने को जा रहा है। तो थैंक यू एड सर, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, सब सारे अपने पिलर्स, अपना जो मैनेजमेंट है, अपने मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं, और थैंक यू मोहम्मद कमाल सर, मोहम्मद दजाल सर, और जितने सारे लोग मैनेजमेंट में,
सबको अपना सलाम थैंक यू बोलना बहुत जरूरी होता है, और थैंक यू बोलने से बहुत अच्छा पावर आता है। आप सोचो, कोई भी आदमी सुबह उठ के, मैं मेरा लाइफ का बोल रहा हूँ कि मैं जब से लाइफ में ग्रेटिट्यूड लेने लगा ऊपर वाले से, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू डे, आपको अगर नया दिन मिलता है तो थैंक यू बोलने से आपका पावर दुगना। लिख के रखो, क्या लिखना है, ये लिखो कि जो अपने पास है और वो वजह से आप जिंदा हो वो लिखो, वो आप देखो, आपके सर पे छत है, आपके पास कपड़े हैं, आप मालूम है, प्रॉब्लम तो सबके पास होता है। मैं एक छोटा स्टोरी बोलना चाहूंगा ये ग्रेटिट्यूड के हिसाब से, थैंक यू के हिसाब से। एक गांव में एक बहुत बड़ा योगी था और सबको मालूम था कि वो डायरेक्ट ऊपर भगवान से बात करते हैं, मतलब द लॉर्ड ही यूज्ड टू टॉक, तो सबको मालूम था, तो सब उसको आके मिलते थे, बात करते थे, पैर पड़ते थे, भगवान का दर्शन करते थे। तो एक अमीर आदमी, बहुत बहुत ज्यादा अमीर, बहुत मतलब बहुत पैसे हो गए उसके, तो वो जाके बोलता है, तो अरे आपका बात होता है ना ऊपर, जरा ऊपर अपना भी मैसेज पहुंचा देना। बोला क्या है, बोला अभी बस करो, मेरे को बस करो कि मेरे को बस हो गया, अभी मेरे को आप, मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा मिल गया, तो प्लीज मेरा मैसेज पहुंचा दो। तो वो योगी बाबा बोलता है ओके मैं पहुंचा दूंगा। तो वो उसके पीछे एक आदमी रहता है जिसका जिंदगी ऐसा है कि बहुत सारे ऐसा घर पे भी तकलीफ है, तकलीफ उसका कुछ भी करने को जाता तो उल्टा होता है, कभी सब तकलीफ है, एकदम गरीब आदमी। वो मन में सोचता है आदमी इसके पास इतना दे दिया भगवान ने और उससे थोड़ा सा मेरे को देता तो क्या होता, ये ही सोच के जब वो आगे जाता है तो योगी बाबा रहता है वहां पे, वो बाबा पे वो बोलता है कि बाबा मेरे को बता दो क्या करने का है, जब आपका बात होता है ना ऊपर डायरेक्ट, आप जरा बता दो उनको कि बॉस मेरे तो वांदे इधर और मेरे इधर कपड़े के भी वांदे है, खाने पीने के वांदे है, घर पे गरीबी है, सब कुछ बोलता है, मेरा मैसेज पहुंचा दे देना कि प्लीज मेरा, मेरे को वो उनको बस हो गया तो वो मेरे को दे देना। तो बोलेगा मैं मैसेज पहुंचा दूंगा। मैसेज पहुंचाने के बाद, मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूं ये समझो, मैसेज उन्होंने पहुंचा दिया और उनको आंसर भी आया। आंसर क्या आया कि इसको बोलते हैं कि वो आदमी जिसको बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, उसको खाली बोलना कि ग्रेटिट्यूड, थैंक यू या शुक्रिया बोलने का बंद करो। वो घड़ी घड़ी मेरे को थैंक करता है, वो थैंक करने का बंद करो। आप थैंक करने का बंद करेगा तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उनको फिर वो जितना भी आना है वो नहीं आएगा, वो आने का बंद हो जाएगा। तो बोलते वो दूसरे आदमी को क्या बोलो, तो वो आदमी को बोलो कि शुक्रिया करने को बोलो, शुक्रिया करने लगेगा और जो भी है उसके पास, अगर उसके पास एक कपड़ा है तो कपड़े का शुक्रिया अदा करो, एक बच्चा है, एक वाइफ है, या खाना मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसका शुक्रिया अदा करो। वॉट एवर यू आर गेटिंग और वॉट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करो, तो उसका शुक्रिया अदा वो करने को लगता है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब इन लोग आता है तो अमीर आदमी को बोलता है कि भाई प्लीज तुमको बहुत हो गया, सब कुछ हो गया, तुम हमेशा आता है, पैर पड़ते हो, सब कुछ करते हो, ये वो, प्लीज आप अभी से आपका काम बंद हो जाएगा, आपको जो आ रहे पैसे वो सब बंद हो जाएगा, आपको सिर्फ एक काम करना है एकदम सिंपल, भगवान को ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया करने का, शुक्र अदा करने का बंद करो। तो बोलता है भाई वो एक चीज मेरे से नहीं हो सकता है, ऊपर वाले का